हाय माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल लव ब्यूटी बी एंड दिस इज़ सुमन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा लाइव स्किन सेंसिटिविटी, जो अभी मेरे फेस पर दिख रहा है आपको। ये स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ आपको टच करके भी कि ये ब्लश नहीं है गाइस, ये मेरी स्किन की सेंसिटिविटी है जो कि मुझे आइस की वजह से हुई थी। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली आइस बर्न। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं कैसे ठीक करती हूँ लाइव, और कैसा रिजल्ट आया है इसको ठीक करने के बाद। तो आपके फेस पर कुछ इरिटेशन, पेन और ब्लॉचिनेस है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, हिट करिएगा बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आ पाए। तो गाइज़, अगर आपके स्किन पर सेंसिटिविटी है तो वो कई कारण से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं, और ये कुछ 4 रीजंस हैं जो मैंने आपको शोकेस किए। तो मैं इनका आपको 24 आवर के अंदर ट्रीटमेंट दिखाऊंगी कि आप अपने स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं। और मेरी स्किन, जो कि आप हमेशा जानते ही हैं, ऑयली है, एक्ने प्रोन है और सेंसिटिव है। इस ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ आपको एक क्यूकम्बर चाहिए होगा। आप इसे पील कर लीजिए और अच्छे से इसे श्रेड कर लीजिए, जितनी आपके स्किन को नीड है उतना ही। हम इसका फेस मास्क बनाने वाले हैं गाइस। इस ट्रीटमेंट में हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, पानी और खीरा। पानी से हम अपना फेस वॉश करेंगे और दूसरा हम फेस मास्क लगाएंगे गाइस, और आप देख पाएंगे कि ये कैसे रिज़ल्ट लाता है हमारे फेस पर। तो मैंने इसे रात में लगा लिया था, तो आज ही मेरा सेकेंड एप्लीकेशन होगा, और ये सुबह है सेकेंड डे का, और आप देख सकते हो मेरे स्किन पर अभी भी रेडनेस है। मेरा फेस एक्चुअली स्वेल कर गया है पूरी तरीके से, और रेडनेस थोड़ा बहुत डाउन हो चुकी है, बिकॉज फर्स्ट एप्लीकेशन में ही ये इतना ज़बरदस्त फेस मास्क है कि बहुत काम करता है आपके फेस पर। बट यस गाइस, जो पेन है वो मुझे अभी भी हो रहा है, और आप देख सकते हो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहेगा, आप बोल नहीं पाओगे, तो डेफिनेटली मैं स्किन में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। तो चलिए अब इस फेस मास्क को लगाते हैं। मैंने अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश किया है गाइस, स्टेप 1 यही है हमारा। आपको सिर्फ पानी यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं, कोई डीप क्लीन कुछ करने की नीड नहीं है। आप नॉर्मल फेस वॉश करिए पानी से, और दूसरा कुकम्बर, क्योंकि गाइस जब भी सेंसिटिविटी होती है तो चीक्स बिल्कुल रेड हॉट हो जाते हैं, और उसके ऊपर कुछ भी लगाना, वही मतलब 12 सिंगा से पंगा लेने वाली बात है। आप बिल्कुल कुछ ना लगाइए, आपके जब भी इरिटेशन हो आप सबसे पहले नॉर्मल पानी से धो लीजिए, और सेकंड ये वाला मास्क लगा लीजिए। इसका पानी इतना ज़्यादा न्यूट्रल है गाइस, और बिल्कुल ये ब्लेसिंग है मेरे स्किन के लिए, एंड आई होप जिनकी भी सेंसिटिविटीज होती है स्किन पर, ये उन पर ज़रूर वर्क करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे 15 मिनट्स तक रहने देंगे अपने फेस पर, और उसके बाद इसे हटा लेंगे। मैंने हटा लेना कहा है गाइस, हम इसे वॉश बिल्कुल नहीं करना है, इसे अपने गीले हाथों से हटाइए धीरे धीरे करके, बिकॉज जब भी ये सेंसिटिविटी होता है आपके चीक्स पर, आपके फेस पर पेन होगा, और हम नहीं चाहते कि वो पेन बढ़े। और अगर आप टॉवल से हटाना चाहते हैं तो मेक श्योर वो वेट टॉवल हो, और धीरे धीरे हटा लीजिए, और आपको बहुत अच्छा और रिलीफ महसूस होगा गाइस, बिकॉज़ ये आपके स्किन में ठंडक पहुंचाता है और आपके पेन को कम करता है, रेडनेस को रिड्यूस करता है। तो अब इसके बाद कुछ नहीं लगाना गाइस, ना ही मॉइस्चराइज़र, ना ही टोनर, हम अपने स्किन को ऐसे ही रहने देंगे। और अब मैं आफ्टरनून में इसे लगाऊंगी। अब आफ्टरनून का समय है गाइस, इट्स डे 2nd और आफ्टरनून, और अब ये होने वाला है मेरा 3rd एप्लीकेशन इस मास्क का। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ नॉर्मल वाटर के साथ, और अब मैं इसे सेम मास्क को लगाऊंगी। और गाइस, ये वाला जो मास्क होता है कुकम्बर मास्क, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं मिलाया है, आपने ध्यान दिया होगा, इसको सिर्फ इस तरीके से लगाया है मैंने। इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 90-95% वाटर से बना होता है कुकम्बर। तो इसका जो पानी है ना, वो बिल्कुल स्पिल हो रहा होगा आपके टी शर्ट पर, या कुछ भी आपने पहन रखा होगा, मेरे भी कपड़ों पर ये बहुत ज़्यादा गिरा था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है आपके नेक पर वगैरह, तो आप ऐसे टिश्यू पेपर लगा सकते हैं ताकि इसका वाटर होल्ड हो पाए एक्सेस वाला, और ये गिरे नहीं इधर उधर,
और इसके साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप पंखे के नीचे बैठे हो या ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ कूल हो। गर्म जगह पर जाकर काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ एक नॉर्मल जगह पर बैठ के काम करना होगा। एंड अब हम 15 मिनट्स का वेट करेंगे एंड मैं अपनी टी शर्ट चेंज कर लूँगी बिकॉज़ ये बहुत गीला हो चुका है। तो आप भी अपने नेक को बचाकर इस फेस मास्क को लगाएं ताकि आपको ठंडक ना लगे चेस्ट में। आफ्टर 15 मिनट्स अब मैं इसे रिमूव करूँगी, सिर्फ नॉर्मल इसे मुझे हटाना है, ना ही फेस वॉश करना है ना ही कुछ। और ये मेरा गाइस थर्ड एप्लीकेशन है जब से हुआ है और जब से नो 24 आवर्स ख़त्म होने वाले हैं इसके अंदर। आपका अगर आप ये 3 से 4 एप्लीकेशन कर लेंगे तो आपका फेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह, कोई पेन नहीं होगा कुछ नहीं, आप आराम से अपना फेशियल कुछ भी लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन बिल्कुल पेन फ्री हो गई है, कोई ब्लॉचिनेस नहीं है, इरिटेशन नहीं है बिल्कुल, मैं एक्चुअली कंफर्टेबल फील कर रही हूँ पहले की तरह और मेरी स्किन ग्लोई हो चुकी है बिकॉज़ कुकुम्बर में हाइड्रेशन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी स्किन बिल्कुल यू नो बल्ब की तरह रेडिएंट हो जाएगी और आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल एंड एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा कि बिकॉज आई नो किसी ना किसी की ज़रूर हेल्प हो पाएगी। एंड कॉमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू।